रूट्स ऑफ लंग के अगर हम डायग्राम देखें तो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स में से एक डायग्राम है। रूट्स ऑफ लंग की जो डायग्राम होती है वो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स में से एक डायग्राम है। इसमें हमने बेसिकली 9 स्ट्रक्चर्स पूरे करने होते हैं। यहाँ पर अभी हमने बेसिक फ्रेमवर्क ड्रा कर लिया है रूट ऑफ द लंग का, और जो है हमारे पास लेफ्ट लंग, उसके साथ इंसाफ करते हुए उसको थोड़ा सा हमने ब्रॉड शो कराया है। ठीक है, ये वाली हमारा लेफ्ट लंग है और ये वाला राइट लंग है। अब ये जो है हमने नीट कर लिया है। ठीक है, अगर इसको बनाने में मुश्किल हो रही है तो हमने बस ये देखना है कि एक जो है पी हमने लिखने हैं दो। ठीक है, इसको जो है ना थोड़ा आगे तक रखना है। ठीक है, थोड़ा पीछे तक बन गया, मैंने नीट किया तब। अच्छा, तो इसको थोड़ा आगे तक रखना है लेफ़्ट वाले को, और पी वाला जो है नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे डायरेक्शंस बता दी, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर। उसके बाद आई प्रेफर टू स्टार्ट विद ड्राइंग प्लेक्सेस। तो ये प्लेक्सेस हमने ड्रॉ कर लिए हैं, मतलब हमने बिल्कुल इस लाइन की इस बाउंड्री छोटी सी बना दी इधर भी और इधर भी, दोनों अपोजिट साइड पर हमें बना दिया। तो ये हमारे पास प्लेक्सेस बन गए हैं। उसके बाद ये जो हमने बनाए हैं ये बेसिकली वेंस हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर परमिलरी वेंस। इसमें हमने क्या करना है कि एक ऊपर वाली सर्कुलर बनानी है और नीचे वाली जो है वो ओवल बनानी है। जो ओवल बनानी है बिल्कुल ये जो होगा ना इसका ये जो कर्व आ रहा है इसके साथ बनानी है, और जो सर्कुलर बनानी है वो छोटे वाले प्लेक्सेस के साथ बना देनी है दोनों लंग्स के केसेस में। ठीक है, उसके बाद ही हमने ब्रोंकस बना लिए हैं। ब्रोंकस इसमें जो होते हैं राइट लंग में दो होते हैं, एक हमने ऊपर बनाना है बिल्कुल इसके जो प्लेक्सस थे इसके ऊपर वाली बाउंड्री के साथ, एक नीचे वाली बाउंड्री के साथ, और इसमें नीचे वाली बाउंड्री जहाँ से पतला होना स्टार्ट हो रही है उसके साथ ही हमने ब्रोंकस बना दिया। ठीक है, अब ब्रोंकस और प्लेक्सस के दरमियान हमने कुछ वेसल्स बनानी हैं। यहाँ पर अब हमने दो और काम कर लिए। यहाँ पर हमने दो वेसल्स बनानी थी और यहाँ पर तीन वेसल्स बनानी थी। एक वेसल जो है उसको हमने ये जो हमारे पास प्लेक्सस है उसके अंदर थोड़ा सा उससे मतलब टच कर रही होगी उसके उस तरह बनाना है, और बाकी जो ऊपर वाली होगी वो इसके साथ होगी। इसने भी दो हमने जो है वो उसके साथ बना दी हैं ब्रोंकस के साथ, और एक जो है वो प्लेक्सस के अंदर तक जा रही है थोड़ा सा। और ये जो बड़ा सा हमने बनाया है दरमियान में, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, और इधर पल्मोनरी आर्टरी हमने यहाँ ऊपर बनाई है। ठीक है, मतलब इसके यहाँ भी इसके ऊपर और यहाँ भी इसके ऊपर। अब हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो लिम्फ वेसल्स और कुछ लिम्फ नोड्स हैं। जो मैंने लिम्फ नोड्स बनाए उनका भी एक पैटर्न है। यहाँ पर एक लाइन लगाई सात डॉट, लाइन लगाई सात डॉट, और ऊपर एक लिम्फ मदार टाइप चीज़ डाल दी। यहाँ पर एक लाइन लगाई सात डॉट इधर। ठीक है, और इधर हमने बाकी और कोई इधर हमने नहीं बनाया लिम्फ वेसल या लिम्फ नोड। ठीक है, और यहाँ पर हमने बस एक इधर डाल दिया और एक इधर डाल दिया। हमारे पास फाइनल लुक है, इसमें मैं लेबलिंग का बता देती हूँ। हमने कलर कर लिया है इसमें, ये जो हमने पर्पल कलर में बनाया था दरमियान में ये हमने बनाई थी कि ये हैं हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज, बिकॉज यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का जो होता है वो अपोजिट कलर होता है एज़ कम्पेयर टू द होल बॉडी बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजनेशन एंड डी ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड इन देम। ठीक है, ये इंटीरियर प्लेक्सेस और पीछे वाले को पोस्टीरियर प्लेक्सेस कह दिया, सेम इन द केस ऑफ द अदर लंग। ठीक है, ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर हमारे पास पल्मोनरी वेन हो गए, सेम इन द केस ऑफ द अदर लंग। और ये जो हमने बनाई थी ये हमारे पास लिम्फ वेसल्स एंड ब्रोंकियल पल्मोनरी लिम्फ नोड हो गए। ठीक है, ये वाले और ये वाले। उसके बाद ये जो हमने बनाई थी छोटे छोटे जो हमने वेसल्स बनाई थी ब्रोंकस के ऊपर, ये हमारे पास ब्रोंकियल वेसल्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो दो ब्रोंकस होती हैं उनमें ऊपर वाले ब्रोंकस को एपार्टीरियल ब्रोंकस कहते हैं, नीचे वाले को हाइपरटीरियल ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, बीच में हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, और इधर एक ही ब्रोंकस है, तो ब्रोंकस हमने लेबल कर दिया। एंड आई थिंक लेबलिंग एक्सप्लेन हो गई है सारी, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट।